चंडीगढ़ स्थित अटावा के ब्यालिस हाइट्स होटल में एक युवक और युवती के आत्महत्या का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों की मौत सल्फास की गोलियां निगलने से हुई है। घटना की सूचना मिलने पर SHO सेक्टर 36 टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ PGI में भर्ती करवा दिया गया। हालांकि युवती ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था, वहीं बाद में युवक की भी मौत हो गई। पुलिस को मौके से सल्फास की गोलियों के साथ खाली शीशी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरवाजा नहीं खोल रहे थे, हमने देखे यहाँ के दरवाजा टेढ़ा करके देखा कि यहाँ लड़की चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, अंदर लेटा हुआ था, इधर उधर कर रहा था। तो उसके बाद हमने ईट से फिर दरवाजा तोड़ा जी। दरवाजा तोड़ के हमने देखा तो वहाँ देखा कि दवाई खाई हुई थी, अल्फाज की गोलियाँ थी, दवाई खाई हुआ। तो फिर हमने पुलिस को फ़ोन की, कंट्रोल रूम से फ़ोन किया और बीट वाले भी आए, पुलिस जिप्सी आया, जब सब करके उसको निकाल के बाहर ले आया। जब तक पुलिस में लेके हम लड़की को उठा के ले गए हॉस्पिटल, डायरेक्ट PGI गए। तो PGI में डबल डोज ट्रीटमेंट वगैरह किए, पहले लड़की खत्म हो गई, उसके बाद में लड़का भी खत्म हो गया। होटल में दो ठहरे थे बंदे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने अंदर से वोल्ट किया हुआ था अपना कमरा लेके, और उसके बाद जब तोड़ के खोला तो देखा कि दोनों में सल्फास खाई हुई थी और देवर क्राइंग और PN है पनसप में, जिसकी 25 साल के करीब उम्र है, और लड़की, ये दोनों कजेड़ी के रहने वाले हैं, लड़का लड़की थे, और इन अफेयर विद ईच अदर। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।